हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से अपने स्कूल आइकन प्रे पब्लिक स्कूल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स का हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आपके बीच में आ गए हैं, जहां हम आज हिस्ट्री के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री क्या है, तो पहला टॉपिक है अपना व्हेन, वेयर एंड हाउ। देखिए, इंग्लिश में जब हम लोग व्हेन, वेयर, हाउ करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आज हमारा यहीं से हिस्ट्री का शुरुआत होगा कि कहाँ, कब और कैसे, कहाँ, कब और कैसे। इस सारे जवाब, इस तीनों शब्द का जवाब, कब, कैसे और कहाँ का जवाब जो है वो हिस्ट्री से ही मिलता है। किससे मिलता है? हिस्ट्री से ही मिलता है। तो आज हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री वर्ड है, इसको हिंदी में इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास। और पूछा जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के जनक कौन है, तो उसको हेरोडोटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरोडोटस। आप कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि जो बीत गया, बीता हुआ जो समय है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री मीन्स द रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स। कहता है कि इतिहास में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसका लिखित, उसका क्या होता है? लिखित रिकॉर्ड होता है, रिटन रिकॉर्ड्स होता है, तो उसको हिस्ट्री का, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। और जिसका लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, अनरिटन होता है, उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। उसको हम आगे कवर करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब कहता है कि हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, वी रीड अबाउट द रूलर्स, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो इकोनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ द पीपुल। अब कहता है कि इतिहास, इतिहास में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो इतिहास में जो बीत गया समय है, जो बीता हुआ अपना समय है, उस समय के बारे में, उस समय के सम्राट के बारे में, राजा के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में, उसके इकोनॉमिक्स के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, उस समय के कल्चरल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस सब चीज़ को उसमें हम पढ़ेंगे, तभी तो इतिहास बनेगा, तभी तो इतिहास बनेगा, क्योंकि ये सब चीज़ बीत चुका है, और जो बीत चुका है वही तो अपना हिस्ट्री है। तो ये सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? हिस्ट्री में करते हैं। अब कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, अगला टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का महत्व क्यों है। देखिए, आज के डेट में हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग बहुत कुछ, हम लोगों को सीखने को मिलता है, हिस्ट्री से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले अपने लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो हम लोग वही तीनों पॉइंट पे आ जाते हैं कि हिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंस क्यों रखता है अपने लाइफ में। देखिए, व्हेन, वेयर, हाउ, क्योंकि इस तीन क्वेश्चन का जवाब हमको कौन देता है? हिस्ट्री देता है। इस व्हेन, वेयर और हाउ का जवाब कौन देता है? हिस्ट्री देता है। इसलिए इसका हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण है। क्यों? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू फाइंड द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस अबाउट। अब कहता है कि हिस्ट्री से हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ, हमारे कंट्री से जुड़ा हुआ, हमारे फैमिली से जुड़ा हुआ, हमारे ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ, और बहुत सारे ऐसे सवाल जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, उस सारे सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इतिहास के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। इसलिए हिस्ट्री का हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण जगह है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता हम किस कंट्री में रहते हैं, हमको बिल्कुल नहीं पता हम किस कंट्री में रहते हैं, हमारे दादा कौन थे, हमारे उनके भी पिताजी कौन थे। इस सब चीज़ के नॉलेज के लिए हिस्ट्री का चयन देखना पड़ता है। तो इसके, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड है, और जो रिकॉर्ड है वही तो हिस्ट्री है, जिसका रिटेन रिकॉर्ड है वही क्या है? हिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं हमको कंट्री के बारे में कि हम कहाँ के निवासी हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे दादाजी क्या करते थे, इस सारी चीज़ की जानकारी हिस्ट्री के अध्ययन करने के दौरान ही मिल पाएगी। इसलिए इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, एक नोट पॉइंट्स है, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड जीनियोलॉजी। कहता है पारिवारिक इतिहास का अध्ययन, पारिवारिक इतिहास का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी बोलते हैं। और हिस्ट्री का महत्वपूर्ण और भी योगदान है। कैसे? क्योंकि हिस्ट्री से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
हिस्ट्री से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिस्ट्री में यानी कि इतिहास जो बीत गया, बीता हुआ समय, उसमें जो वार हुए, जो भी विनाशकारी घटनाएं हुई, बर्बादी हुई, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि उस कहानी को जब तक हम लोग स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमको उसका नॉलेज मिलेगा नहीं। जब उसको नॉलेज पढ़ लेंगे तो फ्यूचर में अगर कोई गलती होगी या प्रेजेंट में कोई गलती होने वाली होगी तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस हिस्ट्री से सीख ले सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हिस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। अब कहता है लेसंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, लेसंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, कहता है हिस्ट्री से ही तो हमको कुछ लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, गुरु नानक के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर हिस्ट्री ना होती, हिस्ट्री को अगर हम लोग स्टडी ना करते तो इन सारे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाते कि कैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को बनाया था, कैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करने के लिए कितना मेहनत किए थे, गुरु नानक जी कैसे सिखों के गुरुदेव बने, स्वामी विवेकानंद जी कैसे शिकागो में जाके भाषण दिए और भारत के लिए भाषण दिए, जो पूरा विश्व में आज भी वो भाषण याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ जो लोग हैं, जिसको ये जो लेसन्स ह्यूमन वैल्यू जो होता है, इन चारों लोगों से सीखने को मिलती है। इन चारों लोगों का अगर हम लोग बायोग्राफी पढ़े तो कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब कहता है उसी दौरान कुछ फ्रीडम फाइटर भी होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे राणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह। कहीं ना कहीं जब तक हम लोग हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे तब तक इन लोगों के बारे में जानेंगे नहीं कि कैसे ये सारे लोग अपने देश के लिए अपने जिंदगी को शहीद कर दिए, कुर्बान कर दिए। तो क्यों? ओनली इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री के कारण, क्योंकि अगर इसका इतिहास में वजूद ना होता तो हम लोग आज के डेट में इसको बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो क्योंकि हमने पहले ही बोला कि सीख लेने के लिए, ताकि पास से सीख लेके प्रेजेंट को अच्छा बनाया जा सके, पास से सीख लेके प्रेजेंट को अच्छा बनाया जा सके। जैसे कि कोई लड़ाई हुई हो पहले, कोई दुर्घटना हुई हो पहले, वो सब चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज अगर रहे तो आगे चल के आने वाले कोई भी त्रासदी से हम लोग बच सकते हैं। हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के कारण ही, इस हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के कारण ही किसी देश के सोसाइटी के बारे में, किसी देश के कल्चर के बारे में, किसी देश के सिटीजन के बारे में, किसी देश के इतिहास के बारे में, ये सारी चीज़ की जानकारी हमको मिलती है कि किस देश का लैंग्वेज कैसा था, किस देश में कैसे धर्म के लोग रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो चीज़ है वो हिस्ट्री के कारण है, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के कारण है। इससे ये भी पता चलता है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का रहन सहन कैसा है, खाना कैसा है, कपड़ा कैसा है, लोग किस तरह से काम करते हैं, कितना वैरायटी है, कितना डाइवर्सिटी है, ये सारे चीज़ों का नॉलेज कहीं ना कहीं हमको हिस्ट्री के कारण ही प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री के कारण ही क्या होता है, प्राप्त होता है। इसलिए स्टडिंग ऑफ हिस्ट्री से ही हमको आगे का पूरा नॉलेज होता है। तो चलिए हम आगे आप फिर देखते हैं टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। कहता है कि हिस्ट्री को समय अवधि के हिसाब से दो भागों में बांट दिया है, दो भागों में, एक प्री हिस्ट्री और दूसरा हिस्ट्री। जिसका रिकॉर्ड है, रिटर्न रिकॉर्ड है, उसको हिस्ट्री बोलेंगे, जिसका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है उसको प्री हिस्ट्री बोलेंगे। प्री हिस्ट्री में क्या था कि लोगों को लिखने की कला नहीं मालूम थी, लेकिन हिस्ट्री में क्या था कि लोगों को लिखने तक आ गया था, बोलने तक आ गया था, कुछ नॉलेज आ गया था। प्री हिस्ट्री में क्या था कि लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे, लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे। तो टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री को दो भागों में विभाजित किया गया, एक प्री हिस्ट्री और दूसरा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इट रिफर्स टू दैट वेरी डिस्टेंट पास्ट, यानी बहुत पहले के पास्ट को, बहुत पहले के भूतकाल को की जानकारी प्री हिस्ट्री में मिलती है कि कैसे शुरुआत के आदमी को ना ही लिखने आता था, ना ही कोई कला का ज्ञान था। बट हिस्ट्री में इट डील्स विद द पीरियड ऑफ रिटेन रिकॉर्ड, जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा चीज अभी भी लिखित है। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया था, हिस्ट्री मीन्स द रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स, यानी कि कोई भी अगर भूतकाल में कोई घटना हो गई तो उसका लिखित
है, लिखित रिकॉर्ड है। अब कहता है कि हिस्ट्री को डेट्स के हिसाब से दो भागों में बांट दिया गया है, एक बीसी और दूसरा एडी, एक बीसी और दूसरा एडी। बीसी का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, डेट्स इन हिस्ट्री बीसी, द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और एडी का मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि उनके जन्म के बाद। तो कोई क्लियर ना होगी, बीसी और एडी समझ गए अच्छे से आप, इंपोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री भी समझ गए क्यों कैसे और कहां। और एक है आपका इंडस रिवर, कहता है कि ईरानी लोग जब तुर्क लोग इंडिया में प्रवेश कर रहे थे लगभग 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, तो क्या हुआ था कि एक इंडस रिवर के नजदीक से वो लोग आए थे। कितने? इंडस रिवर के नजदीक से आए थे, उसको हम लोग हिंदूज रिवर भी बोलते हैं या फिर इंडस रिवर भी बोलते हैं। उस हिंदूज रिवर या इंडस रिवर के नाम पे ही अपने देश का नाम इंडिया पड़ा। क्या पड़ा? इंडिया पर। अगर आपसे कोई पूछे कि अपने देश का नाम किस चीज के कारण कहां से आया, तो आप क्या बोलिएगा? इंडस रिवर। तो एक बार आप इसका क्या कर ले, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हो गया, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड जियोलॉजी हो गया, और एक टर्म आता है हिस्टोरियंस। क्या आता है? हिस्टोरियंस। एक टर्म आता है हिस्टोरियन, मतलब कि जिसने इतिहास के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी हो, जिसने इतिहास के बारे में आपको क्या दिया हो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दिया हो। क्या दिया हो? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दिया हुआ कोई भी पास्ट के इवेंट का, उसको वो अध्ययन करके बताता है, उस प्रोफेशंस को ही क्या बोलते हैं? उस प्रोफेशंस को ही हिस्टोरियन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहासकार बोलते हैं। अब हम लोग आगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो आप क्या करें, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोगों का बनाया गया है, आप वहां पे भी अपना क्वेश्चन क्यूरी अराइज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर सोर्स ऑफ हिस्ट्री पे आते हैं। अब देखते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब कहता है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कहता है स्रोत के आधार पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है, स्रोत के आधार पे जो मटेरियल्स मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, उस आधार पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेचरी सोर्स, पुरातात्विक विभाग स्रोत और साहित्यिक स्रोत। कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर दोज ऑब्जेक्ट और रिमेन्स ऑफ द पास्ट विच हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ। कहता है कि पुरातात्विक स्रोत वो ऑब्जेक्ट है जो पास्ट में बना था, जो अब तक मिल रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स, टूल्स, क्वाइंस, पीसेज ऑफ पोटरी, स्टोन्स, ज्वेल्स यूज इन द पास्ट। कहने का तात्पर्य बिल्डिंग, टूल्स, सिक्का, बर्तन के प्रकार, स्टोन्स, ज्वेलरी, ये सब सारे चीज जो पास्ट में उपयोग किए गए थे वो खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मिल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का ही एक है मोनूमेंट्स, जिसमें फोर्ट्स, पैलेसेस, टेंपल्स, हाउस, स्टूप आर गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चरल सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल ड्यूरिंग दिस टाइम। कहता है मोनूमेंट से, यानी कि किला को देख के, कोई जगह को देख के, कोई मंदिर या उस समय का घर या स्तूप देख के, उस समय के जिंदगी के बारे में, सांस्कृतिक समाज के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। किससे? मोनूमेंट से। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। कहता है कि रिटेन रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सर्फेस लाइक रॉक, पिलर, स्टोन एंड मेटल सीट्स, स्टोन स्लेट्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। कहता है कि हाथ से लिखा हुआ किसी सतह पे, जैसे कि कोई पत्थर पे, कोई पिलर पे, कोई स्टोन पे, कोई मेटल सीट पे, ऐसे चीजों को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन।
अब है उसके बाद है इसी का द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। कहता है कि इंस्क्रिप्शन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी। अब आर्टिफैक्ट, ये एक प्रकार का वैसा सामान होता है कि उस समय में जो व्यक्ति लोग जो सामान बना के उपयोग करते थे ना, वैसे लोगों को आर्टिफैक्ट बोलते हैं। अब है क्वाइंस यानी कि सिक्का, ये सारे जो उदाहरण है ये आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स के उदाहरण है। क्वाइंस, क्वाइंस मेंशन द नेम्स ऑफ किंग्स, गॉड्स और डेट्स। कहता है कि क्वाइंस पे उस समय के राजा का नाम होता था, देवी देवताओं का पिक्चर होता था, डेट्स दिया होता था। इससे क्या पता चलता था कि इससे, इस सिक्का से ये पता चलता था कि उस समय किस राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, उस समय कैसी डिनेस्टीज थे, उस समय का ट्रेड कैसा था। और इमेज से ये पता चलता था कि किस रिलीजन का ये क्वाइंस है, इससे ये पता चल जाता था इमेज देख के। क्लियर। अब उसके बाद है आर्कोलॉजिकल सोर्स के बाद है लिटरेचरी सोर्स। कहता है कि ये एक प्रकार का रिटन अकाउंट है। क्या है? रिटन अकाउंट, जो अक्सर हाथ से लिखा हुआ है। तो हाथ से जो भी बुक्स लिखे हुए हैं उसको मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोस सोर्स इंक्लूड एनी रिटन अकाउंट्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स वेयर हैंड रिटन एंड वेयर कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट। अगर आपसे पूछा मैनुस्क्रिप्ट तो बता दीजिएगा हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट। अब है रिलीजियस लिटरेचर। लिटरेचर का ही दूसरा उदाहरण है जिसमें आपको रामायण से डिटेल्स मिल जाता है, इतिहास का, महाभारत से भी पता चल जाता है, वेद से भी और उपनिषद से भी। इस सारे चीजों से आपको उस समय के धर्म और कल्चर के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। उसके बाद एक है जगाता के रिलीजियस बुक है जो जैन धर्म का है, जिससे हमको जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में विशेष जानकारी मुहैया होती है। अब इसी में एक और देखते हैं नन रिलीजियस, जिसको सेकुलर बोलते हैं, देखते हैं आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब है सेकुलर एंड नन रिलीजियस लिटरेचर। ऑल राइटिंग एक्सेप्ट द रिलीजियस राइटिंग आर कॉल्ड सेकुलर और नन रिलीजियस लिटरेचर। मतलब कि जितने भी लिखित हैं रिलीजियस को छोड़ के वो सारे क्या कहलाएंगे? सेकुलर कहलाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा बायोग्राफी ऑफ किंग्स, स्टोरीज, पोएम, प्लेज, बुक्स और मेडिसिन, साइंस एंड पॉलिटिक्स इटीसी। जैसे प्लेज में कालिदास के द्वारा हो गया, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा हो गया जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल थे रिलीजियस लिटरेचर्स के। अकाउंट्स ऑफ महायान एंड ह्यूसांग जो हो गया और संगम लिटरेचर जो हो गया, ये सब सारे एग्जाम्पल हो गए आपके सेकुलर के। क्या हो गए? सेकुलर के। और बहुत सारे बुक भी लिखे गए थे संस्कृत भाषा में, प्रकृत और पाली भाषा में, जो कि नॉर्थ में बोला जाता था और साउथ में तमिल लैंग्वेज बोला जाता था। मैंने मेंशन नहीं किया, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि साउथ में तमिल लैंग्वेज में मेंशन किया जाता था। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क इन इंडिया। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड। भारत जो है तीनों ओर पानी से सराउंडेड है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय हिमालय इन द नॉर्थ। हिमालय जो है उत्तर में हमारी रक्षा करती है देश की। इंडिया को नदियों का देश कहा जाता है। दिस रिवर प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन। इस रिवर के कारण बहुत सारे उपजाऊ मिट्टी मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर मिल जाते हैं। इसी वजहों से सबसे पहला जो नगर हमारे यहाँ बना था इंदूस, गंगा और नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ पे इंदूस सिविलाइजेशन जो हुआ था तो हड़प्पा की खोज की गई थी और मोहन जोदड़ो की भी खोज की गई थी। उसके बाद अपने यहाँ का खाना रहना, लैंग्वेज, ये सब विभिन्न ट्रेडिशन जो है, कस्टम्स है, इस सारे वजहों से जो अपना देश है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। मैंने इस चैप्टर में कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, फिर भी आपसे आग्रह है कि आप बुक को अच्छे से रीड करें। आप बुक को क्या करें? अच्छे से रीड करें, तभी आपको समझ में आएगा। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।